गोदी में लेके बैठी जहरा सरे हुसैन, गोदी में लेके बैठी जहरा सरे हुसैन। क्या बात है, जख्मी है माँ के हाथों के जैसा सरे हुसैन। वाह, गोदी में लेके बैठी जहरा सरे एक माँ दुहाई देती रही ने, एक माँ दुहाई देती रही मिले के बैठी जहरा सरे हुसैन। रखा लग गया संदूक में मगर, संदूक में अकबर के सर के साथ ही निकला सरे हुसैन। गोदी में लेके बैठी जहरा सरे हुसैन। नाके से जितनी बार गिरी दूर हुसैन, नाके से जितनी बार गिरी से उतनी बार गिरा था सरे हुसैन। गोदी में लेके बैठी जहरा सरे हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह जैन को याद आ गए बोसे रसूल के, जैन को याद आ गए बोसे रसूल के, माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। ये थे मुजम्मल मेहदी, तो मैं जजेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। भैया बाबदी साहब से शुरू करूँगा, आप राय दीजिए। अपनी बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत परफेक्ट पढ़ा है इन्होंने।
और कलाम में असर भी था, जिस तरीके से पढ़ रहे थे इस कलाम को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। बहुत शानदार, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी उस्ताद। कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो फीलिंग के साथ पूरा वो अपने ऊपर तारी करके पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, कोई गलती नहीं की माशाल्लाह जी। बाकर जैदी साहब की तरफ चलेंगे। मुजम्मिल मेहदी, आपने लोहे का इंतखाब जो है वो तो लाजवाब किया। मुझे बावजूद याद करने के ये शायर का नाम तो याद नहीं आ रहा, मैं कहने ही वाला था कि या तो ये हसनैन अकबर साहब का मुझे अंदाज लग रहा है या फिर ये तकल्लुम साहब के कलम का, कलम से निकला हुआ नोहा है। शायरी में मुबालगा जो है वो शायरी का हुस्न कहलाता है, और जब हम रसाई अदब की बात करते हैं तो इसमें मुबालगा जो है वो एक इंतहाई मुश्किल जो है वो अमर हो जाता है। एक ऐसा अमल है ये कि जिसमें शायर का बुनियादी तौर पर एक तो जो उसका हुनर है वो बड़ा उसके लिए एक चैलेंज भी है कि मैंने यहाँ पर जो बात करनी है, मैं अभी बात करता हूँ एक दो अशार पे जी जी, कि बाज़ रसाई अदब में ख़ुद अनीस के यहाँ भी ये सूरत हाल है, दबीर के यहाँ भी है, और जितने भी बड़े जो शोरा गुजरे हैं कि वो जिस वक़्त अहले बैत अतहार और आले पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई ऐसी बात करते हैं कि बज़ाहिर वो वाक़या आपको उस तरह से बयान ही नज़र नहीं आता, लेकिन बात इस तरीके से की जाती है कि जिस पर के इंसान ये समझता है कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा, और उससे ना तो नफ्स मज़मून पर कोई फ़र्क पड़ता है जो नफ्स मज़मून है, और ना ही वो जो एक एक अदब आदाब और जो तहजीब है उसके जो लाजमे हैं वो मजरू होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ज़रा ये शेर देखिए कि रखा अलग अलग गया संदूक में मगर, हाँ हाँ बड़ा अच्छा शेर, अकबर के सर के साथ ही निकला सरे हुसैन। हाँ हाँ। अब बात यह है कि यह एक बाप और बेटे की मोहब्बत से कौन इनकार कर सकता है। तो अब यह है जो मीर तकल्लुम साहब ने किस खूबसूरती से उस महसूसात को, उन जज्बात को, यकीनन एक इमाम अलैहि सलाम के लिए जनाब अली अकबर के हवाले से जो जज्बात हैं वो इससे भी कहीं बढ़ के हैं, तो यहाँ पर हम इस बात की तरदीद नहीं कर सकते। और यही हुसन है, नाके से जितनी बार गिरी दुख्तरे हुसैन, नेजे से उतनी बार गिरा था सरे हुसैन। यानी इस अंदाज से ये नोहा आया है कि मतलब इसका जो एक एक शेर है वो अपनी जगह पर जो है, ज़ैनब, मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको पढ़ता जाऊँ। ज़ैनब को बकर भाई, जो शायरी में एक सनत इसके लिए इस्तेमाल होती है, मैं आपकी इजाज़त करा कि सनत हुस्न तालीम है, बिल्कुल।